आज नगर में रहा टोटल लॉकडाउन। अनावश्यक घूमने वाले दोपहिया वाहन चालकों और बिना मास्क लगाकर घूमने वालों पर हुई चालानी कार्रवाई। टीकमगढ़ नगर में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मरीजों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कलेक्टर सुभाष द्विवेदी द्वारा दो दिन का टोटल लॉकडाउन के आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए नगर के चौक चौराहे पर पुलिस की चौकसी रही। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। वहीं अनावश्यक घूमते फिर रहे दोपहिया वाहन चालकों पर पुलिस के द्वारा 188 की कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान बिना मास्क के घूम रहे वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। लॉकडाउन के दौरान आज पुलिस की सख्ती देखने को मिली। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए नगर में पुलिस के आला अधिकारी भी घूमते नजर आए। आज बहुत ही पूर्णतः कड़ाई की गई है कि लोगों को जो जिनके पास जमीन हो गई कहीं या जिसको पेशेंट है उन्हीं भर में अलाउ किया गया है। बाकी सभी के खिलाफ चालान मॉडल के तहत चालान कार्रवाई की गई है। नगर पालिका से तीन बुलवाते नगर मास्क वालों का 100 रुपया का चालान और 10 रुपया का मास्क वितरण किया गया है, जो कम से कम 20 रुपये का चालान है और 100 रुपये का अलग से दंड हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में विभिन्न धाराओं में चालान दिए गए हैं, जो कम से कम 20 चालान मोटर व्हीकल के हैं और 10 चालान अभी हमने 188 के बनाए हुए हैं। FIR हो रही है। आज जो है पूर्णतः लॉकडाउन के तहत कार्रवाई की जा रही है। कौन सी मजबूरी थी कि आपने बैठो पीछे।